हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग एक मॉडल वर्क का सीरीज चला रहे हैं, और इसके पहले हमने मे माइट और मस्ट के यूज़ को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग सेल विल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वी विल स्टडी सेल विल इन दिस वेरी वीडियो। सो सेल का यूज़ कहाँ होता है, विल का यूज़ कहाँ होता है, इसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सेल विल भी मॉडल का एक पार्ट है, और इसमें हम लोग सेल विल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या होता है, विल क्या होता है, इसका यूज हम किस प्रकार से एकेडमिक एग्जामिनेशन में या कि फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर बोलने में कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो ये यूज ऑफ सेल वाला, इसमें देखेंगे यूज ऑफ सेल को, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ विल को। तो यूज ऑफ सेल में देखेंगे, सेल डिनोट्स ए फ्यूचर एक्शन। सेल क्या करता है, फ्यूचर एक्शन डिनोट करता है, मतलब फ्यूचर एक्शन को बताता है, जो सामान्य फ्यूचर एक्शन होता है उसको बताता है। विथ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, तो आई वी के साथ अगर हम सेल का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि फर्स्ट फ्यूचर एक्शन को बताता है, सामान्य फ्यूचर एक्शन को बताता है। इफ़ इट इज़ यूज्ड विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, अगर इसका यूज अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट दे, तो इनके साथ अगर इनका यूज होता है तो इट डिनोट्स प्रॉमिस, तो ये क्या करता है कि प्रॉमिस व्यक्त करता है, डिटर्मिनेशन व्यक्त करता है, थ्रेट व्यक्त करता है, धमकी इसको कहते हैं, वार्निंग व्यक्त करता है। तो ये सारी चीज़ों को यह डिनोट करता है अगर हम क्या करते हैं इसके साथ सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं तो क्या व्यक्त करता है, तो सामान्य फ्यूचर एक्शन व्यक्त करता है। अगर हम सेकेंड और थर्ड पर्सन इसके साथ यूज करते हैं, यानी सेल के साथ यूज करते हैं, तो ये प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और वार्निंग बताता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है इसके अनुसार हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है कि आई सेल गो टू मार्केट टुमारो, मतलब कि कल मैं बाजार जाऊँगा। तो ये फ्यूचर एक्शन है, जो कि जनरल फ्यूचर एक्शन कह सकते हैं, सामान्य सिंपल फ्यूचर एक्शन कह सकते हैं। तो सामान्य या जनरल फ्यूचर एक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। लेकिन वहीं देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि ही सेल पे यू ऑन मंडे, मतलब कि वो आपको मंडे को पैसे देगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रॉमिस की बात हो रही है, मतलब वादा कर रहा है कि वो मंडे को पैसा दे देगा। तो यहाँ जो ही है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ सेल लगा है, और थर्ड पर्सन के साथ सेल लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ जब सेल का यूज़ किया जाता है तो वो या तो प्रॉमिस बताता है, या तो डिटर्मिनेशन बताता है, या तो थ्रेट बताता है, या तो वार्निंग बताता है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ही सेल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, यहाँ भी दिया गया है कि ही सेल वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, मतलब कि वह सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा। तो यहाँ डिटर्मिनेशन है, यानी दृढ़ संकल्प जिसको आप कहते हैं, तो संकल्प है यहाँ पर। तो इसे व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। आगे है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं सेल का यूज। आगे है, यहाँ देख सकते हैं कि एनी वन फाइंड इन्वॉल्व्ड सेल बी पनिश्ड, मतलब जो कोई भी इसमें शामिल होगा, पाया जाएगा कि शामिल है, कोई क्राइम है या कोई अपराध है उसमें, तो उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ये क्या है, वार्निंग है या थ्रेट है, धमकी दी जा रही है या वार्निंग चेतावनी दी जा रही है। तो वार्निंग देने के लिए भी या थ्रेट देने के लिए भी हम क्या करते हैं कि सेल का यूज़ करते हैं, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ। फिर आगे अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ देख सकते हैं कि वी सेल प्ले हॉकी, हम लोग हॉकी खेलेंगे। तो ये तो सामान्य सा फ्यूचर एक्शन हो गया, तो अगर सामान्य सा फ्यूचर एक्शन होता है तो वहाँ पर हम मतलब कि सेल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। तो या फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ अगर होता है, यानी आई वी के साथ होता है, तो वो सिंपल फ्यूचर एक्शन को व्यक्त करता है। अगर वो सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ होता है तो उससे प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और वार्निंग का बोध होता है। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं, यहाँ देखिए दे रहा है कि सेल नॉट विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन डिनोट्स प्रोहिबिशन, यानी कि सेल नॉट का जो प्रयोग होता है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, ये क्या करता है, निषेध बताता है, मनाही निषेध बताता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, दिया गया एग्जाम्पल में, यू सेल नॉट मीट हिम, आप उससे नहीं मिलेंगे, नो बॉडी या नहीं मिल सकते, नहीं मिलेंगे, नो बॉडी सेल राइट ऑन द टेबल, मतलब कोई भी व्यक्ति टेबल पर नहीं लिखेगा, ये क्या निषेध है, प्रोहिबिट किया गया है कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रोहिबिट करने के लिए, प्रोहिबिशन दिखाने के लिए आप क्या करते हैं कि सेल नॉट का यूज़ करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अगला है थर्ड नंबर रूल, देख लेते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर रूल दिया हुआ है कि सेल इज यूज विथ फर्स्ट पर्सन, सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, टू डिनोट
अदर्स डिजायर दूसरे की इच्छा जानने के लिए, सॉरी दूसरों की इच्छा के लिए होता है, और ऑफर ओन सर्विस या अपनी सेवा देने के लिए भी होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि शैल आई ओपन द डोर, आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ, है ना। तो यहाँ पर आप ऑफर कर रहे हैं, है ना, या दूसरों की इच्छा भी जान रहे कि खोल दे कि नहीं खोल दे, वो उसकी क्या इच्छा, क्या इच्छा है। आगे है शैल आई असिस्ट यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी क्या है कि दूसरों की इच्छा जानी जा रही है या फिर अपना ऑफर सर्विस ऑफर किया जा रहा है। तो ऐसे यानी कि अपना सर्विस ऑफर करने के लिए या दूसरों की इच्छा को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल का यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, है ना। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो देखा जाता है कि विल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात की जाएगी तो वहाँ पर सेल का ही प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। अगर आप सेल का प्रयोग नहीं करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेंटेंस गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ विल की तरफ। तो यूज ऑफ विल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि विल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एंड इट डिनोट सिंपल फ्यूचर एक्शन। कह रहे कि विल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है। सेकेंड पर्सन जैसा कि मैंने आपको बताया यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है। तो इनके साथ थर्ड पर्सन यानी और सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज होता है और इससे सामान्य फ्यूचर एक्शन व्यक्त होता है। बट इफ़ इट इज़ ए यूज विथ फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसका यूज अगर फर्स्ट पर्सन के साथ होता है तो जैसा कि आप पहले देखे थे सेल में उसी प्रकार से विल में भी यूज होगा। यानी कि अगर इसका यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, ए डिनोट थ्रेट वार्निंग प्रॉमिस डिटर्मिनेशन। तो यह क्या करता है, थ्रेट वार्निंग प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन क्या करता है, व्यक्त करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ही विल गो टुमारो और यू विल वर्क हियर, मतलब कि वह कल जाएगा और यू विल वर्क हियर, मतलब कि तुम यहाँ काम करोगे। तो दोनों में देख सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल फ्यूचर एक्शन है। तो इसके लिए आप थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज़ किए हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ये क्या है, थ्रेट है, धमकी है, है ना, और वार्निंग है, चेतावनी है। आई विल पे यू ऑन मंडे, तो ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें मंडे को तुम्हारा पैसा दूंगा, तो ये प्रॉमिस हो गया। और यहाँ पर देखिए, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना गोल अवश्य प्राप्त करूँगा, तो ये डिटर्मिनेशन हो गया यानी संकल्प हो गया। तो ऐसे डिटर्मिनेशन को, प्रॉमिस को, थ्रेट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज हुआ है तो वो सिंपल फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ, और इसका लगभग लास्ट रूल है, विल इज यूज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट। यानी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। जो फॉर्मल रिक्वेस्ट है, मैंने जो औपचारिक रिक्वेस्ट होता है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। जैसे विल यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे, और विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएंगे। इस प्रकार से फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सेल विल के यूज में कहीं समस्या नहीं हुई होगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।